हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसिफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिबेंचर क्या होता है और डिबेंचर के क्या क्या फीचर्स है। आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है डिबेंचर्स के क्या क्या टाइप्स है। तो अगर आप लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो देख लीजिए, ताकि आप लोग का बेस और नॉलेज चैप्टर का क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज मैं आप लोग को बताना भूल गया कि जो भी मैं आप लोग को चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ या आगे के चैप्टर्स, तो मैं उसके नोट्स बना रहा हूँ। नोट्स इस तरह से बना रहा हूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक से ही बना रहा हूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग वो नोट्स को रेफर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वेबसाइट पर देखा नोट्स वगैरह है, लेकिन वो बहुत बोलते ना इजी टू यूज नहीं है। वो एक पेज पे मतलब एक फ्रंट एक ही फ्रेम में एक ही आंसर है, दूसरे जाने के लिए दूसरा आंसर, फिर पीछे जाने के लिए बहुत तकलीफ। तो मैंने कोशिश किया कि जितना आसान हो सकता है उतना आप लोग के लिए बनाने की कोशिश किया है। नोट्स खुद प्रिपेयर किया है आप लोग के लिए, टेक्स्ट बुक से रेफरेंस लेके प्रिपेयर किया है। तो आप लोग उसको ध्यान से देखिए, किसी गाइड वगैरह का नहीं है, तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और आप लोग को उसमें ज्यादा समझ में आएगा आंसर्स का एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि आप जो टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं वही बेस पे मैंने आंसर आप लोग के लिए फ्रेम किया है। तो चलिए, और अगर अच्छा लगे है आप लोग को नोट्स तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों का फायदा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के जो टाइप्स है वो मेनली चार बेसिस पे डिसाइड किए गए। पहले लिखे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, देन ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं हम लोग सिक्योरिटी के बेस पे। तो सिक्योरिटी के बेस पे मतलब डिबेंचर क्या होंगे, सिक्योर्ड होंगे या तो क्या होंगे अनसिक्योर्ड। अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ रहे थे पहले, सिक्योर्ड डिबेंचर्स के बारे में। अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं पता है आप लोग को, तो मैं बता देता हूँ। जैसे क्या है कि आप समझो एग्जाम्पल आप एक कंपनी चला रहे हैं, समझो एग्जाम्पल आप लोग का एक्स वाई जेड लिमिट है आपके पास, तो आप लोग लोगों से पैसा लेना चाहते हो, लेकिन किसके जरिए लेना चाहते हो, डिबेंचर इशू करके। तो आप लोग डिबेंचर्स दोगे, तो अब डिबेंचर्स को ऐसे फिजिकल चीज तो है नहीं, सिर्फ आप एक सर्टिफिकेट रहता आप लोग लिख के दोगे कि आप लोग ने क्या किया है, सामने वाले से पैसा लिया है और उसको डिबेंचर्स दिया है। अब डिबेंचर्स को ऐसे सामान तो है नहीं, सिर्फ आप सर्टिफिकेट लिख के दोगे, बराबर ना। तो अगर कंपनी लॉस में जाती है तो जो डिबेंचर होल्डर है, एग्जांपल किसी एक डिबेंचर होल्डर ने 1000 रुपए इन्वेस्ट कराए, किसी ने 1 लाख रुपए, किसी ने 50,000, किसी ने 2000, किसी ने 1200, जैसा अलग अलग एज ए डिबेंचर इन्वेस्ट करा है हमारी कंपनी में, बराबर है। तो वो लोग को गारंटी अगर हम लोग देंगे, मतलब सिक्योर डिबेंचर इशू करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, उन लोग की एक कमेटी बनाई जाती है, डिबेंचर कमेटी बनाई जाती है, ठीक है ना। तो वो कमेटी क्या करती है, ट्रस्ट कमेटी बनाती है, वो क्या करती है, हम लोग के जो डिबेंचर्स है, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे डिबेंचर्स का चार्ज क्रिएट करती है। चार्ज क्रिएट मतलब अगर हम लोग पैसा नहीं दे पाए तो डिबेंचर वो जो कमेटी है वो क्या करेगी, हमारे वो प्रॉपर्टी या वो असेट को बेच के डिबेंचर होल्डर को क्या करेगी, पैसा पे करेगी। तो अगर ये सिक्योर्ड है किसी असेट के ऊपर डिबेंचर चार्ज है, तो उसको हम बोलेंगे सिक्योर्ड। और विदाउट सिक्योरिटी अगर किसी ने हम लोग डिबेंचर इशू करे हमने, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसिक्योर्ड। तो वही उतने लिखे हैं, देखो डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी मे बी चार्ज एज सिक्योरिटी फॉर लोन। तो जो हमने डिबेंचर दिए है उसके अगेंस्ट में हमने क्या करे, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या करे, सिक्योर किए है, ठीक है। द सिक्योरिटी मे बी फॉर सम पर्टिकुलर असेट, फिक्स चार्ज, ठीक है ना, कुछ असेट हो सकती है, और इट मे बी असेट इन जनरल फ्लोटिंग चार्ज। तो फिक्स मतलब यही असेट पे, या तो फ्लोटिंग मतलब बहुत सारी कोई असेट बता देगा उसमें से कोई भी असेट। तो डिबेंचर आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड, और डिबेंचर किसके जरिए सिक्योर्ड होते हैं, ट्रस्ट डीड के जरिए, ठीक है। तो डिबेंचर ट्रस्ट कमेटी बनती है, ट्रस्टी कमेटी बराबर ना, वो ट्रस्ट डीड होता है उनके बीच में और कंपनी के बीच में, वो कमेटी और कंपनी के बीच में, कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से असेट्स तुम्हारी चार्ज है, ठीक है ना, अगेंस्ट डिबेंचर। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, तो उसी का उल्टा है एकदम सिंपल, दिस डिबेंचर हैव नो सिक्योरिटी, बराबर ना, ऐसे डिबेंचर जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। द इशू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द कंपनी एक्ट 2013, ध्यान में रखना कि 2013 का जो कंपनी एक्ट में चेंजेस आया उसमें उन्होंने क्या कर दिए, कोई कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर, अगला टॉपिक है हम लोग का रजिस्टर्ड। अभी यहाँ पे देखो हम अपना, हाँ पहले किसके बेस पे, सिक्योरिटी के बेस पे, अब किसके बेस पे है, ट्रांसफर के बेस पे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग उसमें पढ़ते हैं, पहला है रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोस डिबेंचर्स ऑन विच द नेम ऑफ द होल्डर आर रिकॉर्ड, मतलब जो डिबेंचर्स आप लोग का सर्टिफिकेट रहेगा उस पर आप लोग का क्या रहेगा, जिसको भी आपने डिबेंचर दिया है, समझो सुनील को दिया है, तो सुनील का उस पर क्या रहेगा, नाम रहेगा। अ कंपनी मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर इन विच, कंपनी मेंटेन क्या मेंटेन करती है, डिबेंचर होल्डर का एक रजिस्टर मेंटेन करती है।
उसमें डिबेंचर होल्डर का नाम, एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग मतलब कितने डिबेंचर है, कितने रुपए के हैं, कितने परसेंट उसको इंटरेस्ट देना है, वो सब उसमें लिखा रहता है, बराबर। आर एंटर्ड द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर रिक्वायर द एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड। तो रेगुलर ट्रांसफर डीड करना पड़ेगा, जो रूल्स रेगुलेशन है एसेट डिबेंचर को ट्रांसफर करने के लिए आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हो गया आप लोग का रजिस्टर्ड डिबेंचर। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या समझा आप लोग को, कि कंपनी क्या करती है, इसके लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन करती है और आप लोग के डिटेल जो भी डिबेंचर होल्डर उसका डिटेल वहां पे रिकॉर्ड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है बियरर डिबेंचर, बैरियर भी पढ़ते हैं, बियरर भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो नेम ऑफ द होल्डर आर नॉट रिकॉर्ड ऑन द बियरर डिबेंचर। तो डिबेंचर बियरर डिबेंचर में नेम ऑफ द होल्डर रिकॉर्ड होता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, आप लोगों ने कभी बैरियर चेक दिया होगा किसी को, अगर सुना होगा तो ऐसा होता है कि बैरियर चेक 11th में आप लोगों ने भी पढ़े भी थे, क्या बोलते हैं आप लोग का डबल एंट्री, डबल एंट्री बोलो, डबल कॉलम कैश बुक में, बराबर। तो हमने देखो उसमें बैरियर चेक आ जाता है उसको कैश कंसिडर कर देते हैं, क्लियर है। तो वैसे ये भी है कि बैरियर डिबेंचर पे क्या होता है, नाम नहीं रहता है जिसके पास। जैसे नोट कैसा है, नोट आपके नोट 500 की नोट, 1000 की, 2000 की नोट आपके पास है तो आपकी किसी और के पास गई थी, किसी और की, वैसे डिबेंचर में भी वो डिबेंचर सर्टिफिकेट ऐसा रहता है, तो जिसके पास है उसका है वो। तो नेम ऑफ द होल्डर आर नॉट रिकॉर्ड ऑन द डिबेंचर, देयर नेम डू नॉट अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर का जो रजिस्टर है कंपनी के पास, उसमें आपका वो जो डिबेंचर होल्डर है डिबेंचर से उसका नाम लिखा, डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा रहता नहीं है। सच डिबेंचर आर ट्रांसफर मेरली बाय डिलीवरी। ऐसे डिबेंचर क्या करेंगे आप लोग, डिलीवरी कर दिए, जैसे पैसा के साथ आपने 500 नोट किसी को दे दिए तो वो उसका हो गया, वैसे ये भी, ये आपको किसी किसी और को दे दिए तो वो उसका हो गया, नाम हम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय मीन्स ऑफ कूपन अटैच टू डिबेंचर सर्टिफिकेट। और इसका जो इंटरेस्ट पे होता है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ करता है, कुछ कुछ कूपन अटैच होते हैं उसके साथ में, आप लोग को क्या करती है कंपनी इंटरेस्ट देती है। ये हो गया आप लोग का किसके बेस पे, पहला तो सिक्योरिटी के बेस पे था, दूसरा किसका था रजिस्ट्रेशन के बेस पर, ट्रांसफर के बेस पे। अब किसके बेस पे है, रीपेमेंट। तो लिखा है देखो, रिडीमेबल डिबेंचर्स और इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब क्या है कि आप लोग कुछ समय बाद, जैसे आपने आपने किसी कंपनी का, समझो मेरी कंपनी जो एक्सपायर्ड है, आप लोगों ने मेरी कंपनी के डिबेंचर्स लिए और आप लोग उसको 5 साल बाद रिडीम कर सकते हो, मतलब डिबेंचर रिटर्न दोगे और उसके बदले क्या ले लोगे, पैसा ले लोगे, ठीक है ना, पैसा ले सकते हो, तो उसको बोलेंगे रिडीमेबल डिबेंचर्स। और रिडीमेबल मतलब जब तक कंपनी चलेगी तब तक वो डिबेंचर का पैसा तुमको रिटर्न मिलने वाला, हाँ तुम किसी और को बेचोगे तो बात अलग है, लेकिन कंपनी तुमको पैसा रिटर्न देगी नहीं, तो उसको बोलते हैं इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब कंपनी तुमको रिटर्न लेके पैसा दे सकती है, टाइम है तो उसका फिक्स। तो डिबेंचर्स आर मोस्टली रिडीमेबल, लेकिन मोस्टली डिबेंचर क्या होते हैं, रिडीमेबल ही होते हैं, पेबल एट द एंड ऑफ सम फिक्स पीरियड। तो कुछ एक फिक्स पीरियड था, 5 साल, 7 साल, 10 साल, उसके बाद कंपनी आप लोग से डिबेंचर दे लेगी और आपको कह देगी आपका पेमेंट दे देगी, एज मेंशन ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। जो डिबेंचर जब इशू किया जाता है सर्टिफिकेट पे ही मेंशन होता है कितने साल बाद वो रीपे होगा। रीपेमेंट कैन बी मेड एट अ फिक्स डेट एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड और बाय इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो रीपेमेंट जो है आप लोग का, कंपनी बोले कि 10 साल बाद आपका पैसा रिटर्न होगा, तो 10 साल बाद आप सर्टिफिकेट दोगे और कंपनी आपको क्या दे देगी, पैसा दे देगी। और कभी कभार सोचते कंपनी बोलती है इंस्टॉलमेंट में देंगे आपका पैसा, मतलब क्या है कि समझो आपने कंपनी 1 लाख रुपए का डिबेंचर लिया और कंपनी ने बोली 10 साल बाद पैसा मिलेगा, तो 10 साल बाद पूरा पैसा 1 लाख रुपए मिलेगा। और अगर बोला इंस्टॉलमेंट बेसिस में, तो इंस्टॉलमेंट अपनी कंपनी अपने सहूलियत के हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है। एग्जाम्पल 1 साल का डिसाइड करी, तो हर साल तुम्हारा 1 लाख, फिर अगले साल 1 लाख, फिर अगले साल 1 लाख, ऐसा आपको रिटर्न करते चाहिए, तो 10 साल में 10 लाख रिटर्न हो जाएगा। ऐसा भी होता है, ये इंस्टॉलमेंट बेसिस हो गया, 1 साथ 10 साल बाद रिटर्न करेगी पूरा पैसा तो क्या हो जाएगा, फिक्स बेसिस, बराबर ना। तो दोनों तरीके से होता है। द प्रोविजन ऑफ रिपेमेंट इज नॉर्मली मेड इन ट्रस्ट डीड। और जो रिपेमेंट का प्रोविजन है, मतलब किस कैसे पैसा रिपे होगा आपका, वो किसमें लिखा रहता है, ट्रस्ट डीड। तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड होती है, उसके अंदर मेंशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इररिडीमेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स जो रिडीम नहीं हो सकते। दीस काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट पेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी चलेगी आपको उसका पैसा कंपनी रिटर्न नहीं देगी, आप किसी और को बेच के ले सकते हो, कंपनी आपको रिटर्न देगी नहीं। दे आर रीपेबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी और वेन देर इज अ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन ऑन वेन द कंटीजेंसी अराइजेस, बराबर ना। तो जब कंपनी आपको तभी ही पैसा देगी जब कंपनी क्या हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, या तो कोई कंडीशन जो आपकी कंपनी ने वो आपको पूरा नहीं कर दी, उसको तोड़ दिए, तो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना, तो फिर क्या करेगी आप लोग को, कंपनी पैसा रिटर्न देती है, अदरवाइज इररिडीमेबल डिबेंचर का पैसा रिटर्न मिलता नहीं है कंपनी की तरफ से। नेक्स्ट है कन्वर्टेबिलिटी के बेस पे। तो कन्वर्टेबिलिटी के बेस पे दो है, सबके बेस पे दो ही है, ठीक है ना। तो कन्वर्टेबिलिटी के बेस पे कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स गिव राइट टू द होल्डर टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि आप लोग ने किसी कंपनी के डिबेंचर्स लिए, तो उसमें लिखा रहेगा डिबेंचर सर्टिफिकेट में कि 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद
आप उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स में। कंपनी के आप लोग डिबेंचर के पैसे, आप डिबेंचर सर्टिफिकेट रन दोगे, कंपनी आपको पैसे के बदले क्या देगी, इक्विटी शेयर्स दे देगी कंपनी के, ऐसा भी होता है। सच राइट इज मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट, कुछ राइट होगा, अगर ऐसा होगा तो आप लोग का सर्टिफिकेट में, डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन रहेगा। द इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग बिफोर दे आर इशू टू द पब्लिक। लेकिन जब कभी भी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना होता है कंपनी को, तो उसके लिए कंपनी को क्या आपको पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वो भी कौन सी मीटिंग में, जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, बराबर ना। जब हम लोग को समझो एग्जांपल कंपनी को, जैसे हमारी एक्स वाई जेड है, उसको कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना है, तो पहले क्या होगा, जनरल मीटिंग करना पड़ेगी, इशू करने से पहले जनरल मीटिंग करना पड़ेगी, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास का मतलब आप लोगों ने 11 पढ़े थे, नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब जितने लोग भी प्रेजेंट है उसमें से 3/4 लोग, मतलब 75% से ज्यादा लोग क्या बोलना चाहिए, यस बोलना चाहिए कि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करो, परमिशन देना चाहिए, उसी को बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। नॉर्मल रेजोल्यूशन में 50% से ज्यादा होता है, और स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% से ज्यादा लोग हाँ बोलना चाहिए, ठीक है ना। दीज डिबेंचर्स आर एडवांटेजेस TGS टू द होल्डर। ये डिबेंचर क्या होते हैं, जो डिबेंचर होल्डर है उसके लिए बहुत बेनिफिट होता है ना, क्योंकि कंपनी का इक्विटी शेयर मिल जाएंगे, मतलब कंपनी का क्या बन जाएगा, वो कुछ साल बाद ओनर बन सकता है। बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन राइट, कन्वर्टेबल डिबेंचर इज एंटाइटल्ड टू इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ लोअर देन द मार्केट वैल्यू। और इससे फायदा क्या होगा कि उसको जो डिबेंचर होल्डर है उसको मार्केट वैल्यू से क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कम पैसे में मिल सकता है। उसमें लिखा रहेगा कि इतने डिबेंचर्स दोगे इतने इक्विटी शेयर मिलेंगे, मार्केट प्राइस कितना रहेगा उससे मतलब नहीं है उस टाइम पे। तो नहीं, अब देखो बहुत सारे ऐसे डिबेंचर शेयर्स है, 100 रुपए में इशू हुए, 10 रुपए में इशू हुए, 2-2, 5-5, 10-10 हजार रेट है उसका, तो बराबर है। लेकिन जब स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया तो जो रेट बोला रहेगा डिबेंचर सर्टिफिकेट में वो रेट पे उनको मिलेगा, ठीक है। चलिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स नेक्स्ट क्या है, नॉन कन्वर्टेबल उसका उल्टा, जो कन्वर्ट नहीं होंगे बस। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑन मैच्योरिटी, उसका टाइम खत्म होने के बाद वो कन्वर्टेबल नहीं होंगे, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे। These debentures are redeemed on maturity date. ये debenture क्या करना पड़ेगा आपको, redeem मतलब debenture return देना पड़ेगा, कंपनी आपको क्या दे देगी, आपका पैसा दे देगी। These debentures suffer from disadvantage or there is no appreciation in the value. ऐसे debentures को थोड़ा क्या होता है, disadvantage होता है, क्योंकि इनकी value में क्या होता है, कोई appreciation होता नहीं है, क्योंकि debenture की value appreciate नहीं होती। Shares की value क्या होती है, equity shares की value क्या होती है, appreciate होती है, बढ़ते रहती है, कम भी हो सकती है, लेकिन mostly case में क्या होता है, बढ़ती है। तो ये हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स बेस्ड ऑन, कितने पढ़े उन्होंने, चार। पहला पढ़े उन्होंने सिक्योरिटी के बेस पे, तो सिक्योरिटी के बेस पर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, फिर ट्रांसफर के बेस पे, रजिस्टर्ड और बियरर, फिर था पेमेंट के बेसिस पे, रीपेमेंट के बेसिस पे, रिडीमेबल और रिडीमेबल, फिर कन्वर्जन के बेसिस पे, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ डिबेंचर हम लोग के कितने हो गए, 8 हो गए। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़िए, सारे एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिए, फिर आपको नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किया है, नोट्स भी आ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, आपकी बुक कंप्लीट कीजिए और आपके बुक्स में रखिए, पीडीएफ में या क्या बोलते हैं ऑनलाइन मत रखिए नोट्स को, आप अपनी बुक में लिख लीजिए एक बार, ताकि आप लोग को क्या बोलते हैं याद रहे कि ये आंसर हम लोग को यहाँ यहाँ मिलेगा, या आप लोग मार्किंग कर सकते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। लेकिन बेटर ये होगा कि नोटबुक बनाइए, ताकि आप लोग को आइडिया है कितना आंसर कितना बड़ा छोटा होना चाहिए। तो अगर ये भी ध्यान रखिए कि जैसा वेटेज होगा वैसा आंसर बड़ा करना पड़ेगा, वैसा आंसर करना पड़ेगा हम लोग को छोटा करना पड़ेगा। जैसे भी हम लोग को आ गया, समझो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स आ गया। अब फीचर ऑफ डिबेंचर आप लोग को 5 मार्क्स में पूछा, बराबर ना, तो आप लोग पूरे 14 पॉइंट लिखते बैठे हो तो कुछ मतलब नहीं निकलने वाला है। आप लोग सिर्फ इतना लिखो, 7-8 पॉइंट लिखो बस। 10 मार्क्स में पूछ लिया तो फिर आप लोग पूरे लिखते बैठो, तो आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब 5 का रखा तो 6 या 7 पॉइंट तो एक ज्यादा, और 10 मार्क्स का तो 11-12 पॉइंट ऐसा लिखिए, ठीक है। अभी इसमें क्या पॉइंट छोटे छोटे हैं तो थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ रहा है, 5 के लिए 6 भी लिखते हो भी चलता है लिख कर, ठीक है। तो जैसा आप लोग को प्रिपरेशन करना है वैसा प्रिपरेशन कीजिए, तो आप लोग गारंटी है कि अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फ्यूचर मत सोचिए, बहुत लोग स्टूडेंट क्या करते हैं आगे सोच रहे हैं, अरे सॉरी इतना सारा बाकी है, वो टारगेट आपका नहीं होना चाहिए। टारगेट आपका क्या होना चाहिए, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आज पढ़ रहा हूँ, एक टाइम पे बैठी हूँ या बैठा हूँ, तो इतने आंसर मेरे कंप्लीट होना चाहिए, इतना टॉपिक मेरा कंप्लीट होना चाहिए। छोटा सा प्लान जब भी बैठोगे आप लोग बनाओ, फिर उसको बड़े प्लान से मिक्स करो, मतलब बोलना हफ्ते में 2 लेसन खत्म करना है, 3 लेसन खत्म करना है, तो उस तरह से आप लोग खत्म करोगे तो हो जाएगा। मैं एक मास्टर प्लान आप लोग को अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोग को बना दूंगा कि किस तरह से आप लोग अभी सिलेबस क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके, जिसका नाम है हम लोग का एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। थैंक यू वेरी मच।